बातों बातों में। आदित्य जल्दी में बाइक से उतरा, उसके एक हाथ में बुके था और दूसरे हाथ से उसने अपने बालों को बाइक के मिरर में देख के ठीक किया। व्हाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, आंखों पे गॉगल, हाथों में ब्रांडेड घड़ी, धीमी धीमी हवा चल रही थी जो उसके बालों को उड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचते ही उसने सामने देखा, वो बैठी थी पिंक कलर के सूट में, बुरे बाल हवा में उड़ रहे थे, उसका चेहरा टेबल पर रखे पानी की बोतल से कवर हो रहा था, उसके कानों के झुमके दिखाई दे रहे थे। आदित्य ने चेहरा देखने की कोशिश की पर देख नहीं पाया। पीछे धीमा धीमा म्यूजिक चल रहा था। देखा जो तुमको, ये दिल को क्या हुआ है। आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था जैसे अभी उछल के बाहर आ जाएगा। आदित्य ने आवाज लगाई, सिया, और वो हाँ बोल के खड़ी हो गई। आदित्य ने उसे जैसे देखना शुरू किया, उसके अंदर से आवाज आई, उफ, पूरी दुनिया के जज्बात एक तरफ और तुझसे ये पहली मुलाकात एक तरफ, अब तो भगवान जान भी ले ले, कोई गम नहीं। आदित्य उसे देखने की कोशिश कर ही रहा था कि किसी ने उस पर बाल्टी भर के पानी डाल दिया। आदित्य जोर से चिल्लाया, कौन है बे? सामने देखा वरुण खड़ा था पानी की बाल्टी लिए। कुंभकर्ण, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, वो बाल्टी नीचे रखते हुए बोला। कमीने 10 मिनट रुक जाता, आज तो उसका चेहरा दिख ही जाता, मायूस होकर आदित्य अपना चेहरा साफ करते हुए बोला। किसका? वरुण ने उसे देखते हुए पूछा। तू नहीं समझेगा, चल हट, कहते हुए उसे आदित्य ने हटाया और मुस्कुराने लगा। जल्दी नहा के आ, फिर लेट हो जाएगा, वरुण उसे घूरते हुए बोला। नहला तो तूने दिया, ब्रश करके आता हूँ, रुक, कहते हुए आदित्य ने टाल खींचा और बाथरूम में चला गया। रेडी होकर आदित्य और वरुण निकल गए। उधर आदित्य भी अपने कॉलेज के लिए निकली। पहुंच कर वो सिया को बोली, वो क्लास छह में आती हूँ, और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उसे अंदर से किसी लड़के की आवाज आई, उसके भावे तन गई कि लड़कियों की वॉशरूम में लड़का क्या कर रहा है। वो जैसे ही एंटर हुई, उसने देखा उसकी क्लास की एक लड़की मेघा रोते हुए उसी की गेस्ट फैकल्टी वाले प्रोफेसर डॉक्टर राजीव मिश्रा से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बात कर रहे थे। अदिति को देखकर वो दोनों घबरा गए। अपनी अदिति भी तेज तर्रार गुस्से की तेज पहुंचते ही चढ़ गई। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, लड़कियों की वॉशरूम में, और मेघा तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं, कहते हुए मेघा वहां से भाग गई और राजीव सर भी। सॉरी, बाय मिस्टेक आई केम हियर, कहते हुए पतली गली से वो निकल गए। अदिति थोड़ी ठंडी हुई, सोचा लव अफेयर का होगा कोई लफड़ा। अदिति तुझे क्या, चल जल्दी वापस क्लास, बोलते हुए वो क्लास पहुंची। अदिति क्लास पहुंची और देखा मेघा वहां भी थोड़ी असहज सी लग रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अदिति को टेंशन हुई, उसने सिया को बताया। देख, एक तो तू ना समाज सेवा बंद कर दे, होगा उनका अपना कुछ, और आजकल की लड़कियां ना खुद कांड करती हैं फिर रोती हैं, वो क्यों सबके फट्टे में टांगड़ आने चली जाती है, सिया ने उसे एक अच्छे दोस्त की तरह समझाते हुए चुप रहने को कहा। यार मदद की जरूरत तो नहीं उसे, अदिति ने उसे देखते हुए पूछा। जरूरत तो तुझे है मदद की, अभी सेमेस्टर आने वाले है ना, पढ़ाई कर, सिया ने उसकी बुक ओपन की और उसे दिखाते हुए बोली। आदित्य थी आदत से मजबूर, बस एक के बाद एक लेक्चर चालू हो गए, क्लासेस, हॉस्पिटल, सबके चक्कर लगा के दोनों हॉस्टल पहुंचे और थक के सो गए। रात का समय था, आदित्य अपनी पढ़ाई में लगा था, उसके सामने उसकी बुक खुली हुई थी और सोच वो कुछ और रहा था। कभी सोचा था आदित्य किसी को देखे बिन उसके इतने करीब पहुंच जाएगा, बिन देखे बिन जाने किसी से प्यार करने लगना कहां तक प्रैक्टिकल है, इतना आसान होता है क्या? उसकी हंसी, उसकी पागलों वाली बातें, उससे मिलने की बेकरारी, इवन दिखती कैसे होगी, ये जाने बिना भी उसके बिना जीना मुश्किल हो रहा है। आदित्य ने अब थोड़ा प्रैक्टिकल होने का सोचा। आज मैं उसकी ना पिक्स मांगूंगा, महीने हो गए बात करते हुए।
वो सोच ही रहा था कि घर से उसकी मम्मी रीना जी का वीडियो कॉल आ गया। क्या कर रहा था मेरा बच्चा? हर माँ की तरह ये माँ भी भाव विभोर होकर बोली, पढ़ रहा था मम्मा, आदित्य ने बुक दिखाते हुए बोला। खाना खा लिया तूने? रीना जी ने पूछा। अभी इतना जल्दी कौन खाता है, जाऊंगा थोड़ी देर में। आप बताओ, इस टाइम तो आप कॉल नहीं करती, तो आज क्या विशेष? उसने पूछा। अरे तुझे गुड न्यूज देनी थी, पापा ने दिल्ली ट्रांसफर लिया है, तुझे इस समय हमारी जरूरत भी है, तो हम शिफ्ट हो रहे हैं, कल ही आ रहे हैं, रीना जी ने उसे सोफे पर बैठते हुए कहा। क्या? आदित्य चेयर से खड़ा होकर खुशी से झूमते हुए बोला। यार जल्दी आ जाओ आप, बहुत हो गया अकेले अकेले, वो आगे बोला। ये ले अपने डैड से बात कर, कहते हुए उन्होंने फोन मिस्टर सिन्हा को दिया। हेलो डैड, आदित्य ने कहा। हेलो यंग मैन, कैसे हो बेटा? मिस्टर सिन्हा बोले। मिस्टर सिन्हा आईएएस ऑफिसर, रुतबा उनका उनकी आंखों में दिखता था। उनके दोनों बेटों ने उन्हें देखकर उनकी तरह ही देश सेवा को चुनने का फैसला लिया था। फाइन डैड, आई एम सो हैप्पी, आदित्य बोला। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी की ये बात तो माननी ही थी, कोशिश तो कब से कर रहा था पर अब पॉजिटिव मिली, चलो फिर भी अभी देर नहीं हुई। वैसे स्टडी कैसी चल रही है, एग्जाम भी आने वाले ही है? सिन्हा जी ने पूछा। हाँ पापा सब ठीक, आदित्य बोला। बच्चा हम कल आ रहे हैं, वरुण को लेकर कोचिंग से सीधे हमारे पास आ जाना, मैं तुझे एड्रेस भेज दिया हूँ, रीना जी पीछे से बोली। हाँ जी, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, मैं आ जाऊंगा, वरुण फोन के पास आते हुए बोला। अच्छा अभी फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ, कहते हुए आदित्य ने फोन कट किया और सीधे अपनी हीरोइन को फोन घुमा दिया। दो बार ट्राई किया, फोन नहीं लगा, फिर तीन चार पांच बार किया, पर आज उसका फोन ही नहीं लगा। आदित्य थोड़ा मायूस हो गया, उसने पढ़ने की कोशिश की, तकरीबन आधे घंटे बाद उसका फोन आया। ये उन दोनों के दिनों का बेस्ट पार्ट होता था जब बात होती थी। हे हैंसम, वो तुरंत फोन उठाते ही बोली। क्या यार, तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लगता, मुझे वो वाला नंबर दो व्हाट्सएप वाला, आदित्य रूठते हुए बोला। झूठे, कम नहीं लगा, दे दूंगी, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है आदित्य बाबू, अदिति हंसते हुए बोली। अच्छा बच्चू, आज ना तुम्हारा सपना देखा, आदित्य थोड़ा रोमांटिक होकर बोला। अच्छा, अदिति खुश होकर बोली। और क्या देखा सपने में? तुम इतनी मोटी हो, मुझे पता नहीं था, और कलर भी बहुत डार्क है तुम्हारा, आदित्य ने उसे छेड़ते हुए बोला। ओए हद, मैं एकदम फिट हूँ और कलर की बात ना ही करो, लाइन लगी है पीछे, वो भी तुम्हारे साथ फंस गई, वरना तो गिनती मुश्किल थी, इतराते हुए आदित्य ने कहा। सुन, पिक्चर सेंड करना, आदित्य जिद करते हुए बोला। आदि, तुमने प्रॉमिस किया था नो जिद। देख नहीं, अपने तुमसे मिलने के दिन आ गए, उसने बोला। वो आगे बोले, अच्छा एक चीज, तुमने अपनी पोस्टिंग मुंबई में लेना, अभी तो एग्जाम रिजल्ट कुछ नहीं आया और तुमने पोस्टिंग की घोषणा भी कर दी, आदित्य हंसते हुए बोला। हाँ, ऑर्डर देते हुए आदित्य ने बोला। वैसे मुंबई क्यों, आदित्य ने पूछा। क्योंकि मैं मुंबई में हूँ, एंड आई लव मुंबई, मुझे हमेशा यही रहना है, आदित्य ने कहा। उसने आगे बोला, आदि मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब तुम मुंबई आओगे और हम मिलेंगे। इतना देती नहीं हूँ अपनी, और मिलोगे तुम मुझसे, आदित्य बोला। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ तुम मुझे पहली बार देख के कैसे रिएक्ट करते हो, आदित्य को बातों में कोई हरा नहीं सकता था। बातें बहुत आती है तुम्हें, हुँ? अच्छा एक चीज बतानी थी, मैं नेक्स्ट वीक बिजी रहूंगा, वो पापा का ना ट्रांसफर यही हो गया, शिफ्टिंग एंड ऑल, तो शायद ज्यादा बात ना कर पाऊं, माँ पापा साथ होंगे तो मैक्सिमम एक वीक में ना सब सेट हो जाएगा। अच्छा सुन, विल मिस यू, आदित्य ने बालकनी में जाते हुए कहा। मैं भी मिस करूंगी आदि तुम्हें, टाइम मिला तो कॉल कर लेना प्लीज, आदित्य ने कहा। हाँ नेक्स्ट मंडे बात करते हैं सिया, चल बाय, आदित्य ने कहा। सिया नहीं, शोना बुलाया करो प्लीज, आदित्य को अपना नाम सिया सुनना कुछ चुभने सा लगा।
मीन्स नाम भी गलत है। आदित्य स्मार्ट तो था, वो समझ चुका था। आदित्य चुप थी। आप आदित्य को मानो, काटो तो खून नहीं। इससे बात कर रहा हूँ, ये क्या है? सही नाम नहीं पूछोगे? आदित्य ने धीमे से कहा। नहीं, क्या पता क्या बताओगी और क्या हो तुम? आदित्य को गुस्सा आने लगा। आदित्य नाम है मेरा, वो बोली। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आदित्य बोला, एक बात कहूं, तुम किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि बचपन में मौसी को देखा है नॉल पर, कहीं आज तुम्हारी वजह से मेरा लोगों से ट्रस्ट ना उठ जाए। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो आगे बोला, अब तो मुझे सोचना पड़ेगा मुझे तुमसे बात करनी भी है या नहीं। आदित्य की आंखों में नमी आ गई। थोड़ी खामोशी के बाद वो बोली, हाँ एक वीक है ना, अगर ठीक लगे तो नेक्स्ट वीक कॉल कर लेना, पर एक चीज है, मैं तुम्हारे फोन का हमेशा वेट करूंगी। वो आगे बोली, एक चीज हमेशा होती थी, दिमाग हमेशा कहता था सही मत बताओ, और दिल हमेशा कहता था सही मत छुपाओ। आज दिल की सुनी है। सामने से आदित्य का कोई जवाब नहीं आया। एक मिनट की खामोशी थी। फोन रखो, आदित्य ने पूछा। हाँ बाय, आदित्य ने कहा। बाय कहते हुए आदित्य ने फोन काट दिया और फोन कस के हक किया। आंखें आज नम थी, उधर आदित्य की आंखें भी बोल रही थी। इधर सी आदित्य को देख रही थी। वो बोली, इजहार कर दीजिए मैडम अब तो अपने प्यार का। करेंगे मोहतरमा, अब तो हम उससे मिल के ही रहेंगे, उसके एग्जाम के बाद अगर वो चाहेगा तो। आप अदिति कुछ सोच में पड़ गई। और मुझे पहली बार देखने की खुशी ना उसकी आंखों में जीना चाहती हूँ मैं, इतनी सी ख्वाहिश है। कुछ गलत तो नहीं है ना, इतने महीने वेट किया है, कुछ महीने और तो तू उदास क्यों हुई आज? सिया उसके पास बैठते हुए बोली। वो ना उसने कहा है कि उसे सोचना पड़ेगा वो मुझसे बात करना भी चाहता है या नहीं, और मैंने ना उसे अभी से मिस करना चालू कर दिया। इस बार उसके आंसू आंखों की पलकों से गालों पर आ गए थे। अरे मेरा बाबू, कहते हुए सिया ने उसे हक करते हुए चुप किया। कोई ना, सब बात करेगा तो टेंशन ना ले, कहते हुए सिया उसे खींच के रूम से बाहर ले गई। दोनों ने डिनर किया। उधर आदित्य को अच्छा नहीं लग रहा था, कितनी बातें की और नाम तक सही नहीं बताया, मजे ले रही है बस। दिमाग गुस्से में था पर दिल कह रहा था वो बहुत अच्छी है, और आंखें वो तो साथ ही नहीं दे रही थी। सही कहा है किसी ने, इश्क का भी अपना दस्तूर होता है, जो इसे जान लेता है ये उसी की जान ले लेता है। उधर अदिति और सिया ने अपना खाना फिनिश किया। अदिति के हॉस्टल से थोड़ी दूर 3-4 रेस्टोरेंट थे लाइन से। वो रोज रात को इन रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना लेकर बगल की चुग्गी के कुछ बच्चों को खाना खिलाती थी। आज भी अदिति निकल ही रही थी कि सिया ने कहा, सुन मैं तेरे साथ चलती हूँ आज, शायद भगवान मेरा भी भला कर दे। हाँ यार चल, अच्छा लगेगा। वो लामा सच में इबादत का होता है जब आप किसी की मदद करते हो, अदिति ने कहा। दोनों ने बचा हुआ खाना लिया और अपनी स्कूटी से चल दी झोपड़ी की तरफ। आज अदिति का मूड बिल्कुल खराब था, मन में शंका कुशंका कि आज के बाद वो बात करेगा या नहीं। अदिति ने वहां जाकर बच्चों को आवाज लगाई, शंकर सीमा लक्ष्मी कहाँ हो सब, आओ खाना आ गया। देखते देखते 25-30 बच्चे अदिति के आसपास जमा थे। अदिति मुस्कुराई और सबको बैठने का इशारा किया, फिर खाने के पैकेट्स दिए, उनसे थोड़ी देर बात की, फिर निकल पड़ी दोनों वापस अपने हॉस्टल की तरफ। आधी दूर पहुंची ही थी कि अदिति को याद आया आज उसने कुछ स्टेशनरी का सामान लिया था उन बच्चों के लिए, वो तो डिग्गी में ही रह गया। दोबारा गाड़ी टर्न की, जैसे ही वो वहां पहुंची अदिति ने देखा उसके कॉलेज के वही प्रोफेसर डॉक्टर राजीव मिश्रा उसे वहां दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ उसके 2 सीनियर्स भी थे। अदिति ने देखा और सोचा ये इन बच्चों के आसपास क्या कर रहे हैं। अदिति ने उन लोगों के पास जाना चाहा पर सिया ने उसे रोक लिया। यार वैसे ही गुंडे टाइप है, और ये हमारे सीनियर विपिन तो ना वैसे भी फेमस है अपनी गुंडागर्दी के लिए।
लास्ट ईयर इसने लावारिस डेड बॉडी स्टूडेंट्स को पैसे लेकर प्रैक्टिस के लिए सप्लाई करना चालू कर दिया था। सिया बोले, हाँ यार पुलिस केस हुआ था, वो यही लड़का है क्या? अदिति हैरानी से बोली, हाँ यार यही है, एक महीना सस्पेंड रहा, देख वापस आ गया। सिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, पैसे के लिए अपने बाप को बेच दिए, और ये मनोज तो डीन के रिलेटिव का बेटा है, ये भी इन्वॉल्व था, वो तो बच गया सुना, सिया बोली। ओह, कहते हुए अदिति उन पर नजर बनाए हुए थे। अभी चल यहाँ से अदिति प्लीज, कहते हुए सिया अदिति को लेकर हॉस्टल चली गई। आज देर रात तक अदिति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने फोन लिया, व्हाट्सएप ऑन किया, पर शाम को बात करने के बाद आदित्य ने व्हाट्सएप ऑन भी नहीं किया था, और उसके लास्ट सीन से उसके कितने इमोशंस जुड़े हुए थे ये कोई नहीं समझ सकता। कितना गुस्सा करता है, एक बार बात कर ले आदि, प्लीज नींद नहीं आ रही, अदिति मन ही मन बड़बड़ा रही थी, आंखों में रह रह कर नमी आ रही थी। उधर आदित्य की आंखों में भी नींद नहीं थी, बेचैन सा बिस्तर पर आंखें खोल के लेटा था। यार सोना, ये क्या बात हुई, नाम तो गलत बताया, कितना कुछ कहना था तुमसे, सब रह गया। क्या किया, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, जिसके साथ मुस्कुराना सीखा था अब उसी की खातिर रोना पड़ा। आदित्य ने फोन हाथ में लिया, सोचा बात कर लूं, फिर सोचा आवाज देकर बुला तो सकता हूँ, मगर दोबारा कोई झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। जाने क्या क्या सोच रहे थे दोनों, पर फोन करने की हिम्मत ना अदिति की हुई ना ही आदित्य की। अगले दिन आदित्य कोचिंग के लिए तैयार हुआ, उसकी नजर फोन के व्हाट्सएप पर गई, पर उसने ओपन नहीं किया। वरुण ने देखा, वो बोला, आज सुबह जल्दी उठ गया तू या रात ही बर्बाद कर दी? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था संभल, क्यों नहीं माना तूने, वरुण का बोलना चालू था। आदित्य चुप रहा। बेटा अभी तो तुमने देखा ही क्या है जिंदगी में, अभी तो तुम उसे शादी करते हुए भी देखोगे, वरुण का ज्ञान चालू था। चुप कर यार प्लीज, आदित्य ने वरुण के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज कुछ भी मत बोल, वैसे ही रहा नहीं जा रहा। उसकी पलकों पर बूंदे उभर आई। सही है बेटा, जो कहते हैं ना लड़कों का दिल नहीं होता, वो रोते नहीं, झूठ कहते हैं, दरअसल उन्हें तुम्हारे जैसे मिले नहीं होते। चल अब उदास मत हो, अब बात मान, पहले मिल उससे फिर डिसाइड कर, वरुण उसे समझा रहा था और वो चुप नीचे मुंह लिए सुन रहा था। बात बहुत आगे बढ़ गई है, हर जगह उसे ढूंढता हूँ, जानता हूँ वो इस सिटी में नहीं है, फिर भी कोई और अब इन आंखों को नहीं जाचेगी, आदित्य रुआसा होकर बोला। देख प्यार ना रोलर कोस्टर की तरह होता है, जब चढ़ते हो तो खुशी मिलती है, जब चलने लगता है तो रोमांच बढ़ता है, जब स्पीड पकड़ता है तो दूरी खुशी मिलती है, फिर डर लगने लगता है, और आखिर में जब खत्म हो जाता है तो वॉमिट हो जाती है। वरुण उसे ऐसे समझा रहा था जैसे न जाने कितने तजुर्बे हुए उसे जिंदगी में। दोनों कोचिंग के लिए निकले। उधर अदिति भी कॉलेज पहुंची और सिया को कहा, तो क्लास चल, मैं डॉक्टर परमार से मिलकर आती हूँ। अदिति डॉक्टर परमार के कैबिन में पहुंची और नॉक करके बोली, मे आई कम इन सर? यस अदिति, प्लीज कम इन, योर डैड कॉल्ड मी यस्टरडे, सो यू वांट टू फिल ऑर्गन डोनेशन फॉर्म राइट, गुड जॉब, कीप इट अप, डॉक्टर परमार बोले। यस सर, पापा ने बताया था कि आप हेल्प करेंगे, अदिति विद रिस्पेक्ट बोली। इसको भर के शाम तक सबमिट कर देना, कहते हुए डॉक्टर परमार ने उसे फॉर्म दिया। थैंक यू सर, कहते हुए अदिति क्लास पहुंची। कहां गई थी, सिया ने पूछा। कुछ नहीं, कहते हुए अदिति ने बुक्स ओपन की। कॉलेज के बाद में सिया और उसकी क्लास की कुछ और लड़कियों को डॉक्टर राशा ने अपने स्टाफ रूम में बुलाया। गाइस, हमें नेक्स्ट 2 वीक के लिए लातूर के आसपास के एरिया में मेडिकल कैंप लगाने हैं, 10 आप लोग और 2-3 सीनियर डॉक्टर भी साथ होंगे, आशा मैम बोली। इन्फॉर्म योर फैमिली एंड गार्जियंस एंड बी रेडी आफ्टर 2 डेज, ऑल द बेस्ट, कहते हुए आशा मैम ने सबको वापस जाने को कहा।
मेडिकल कैंप का नाम सुन के सिया ने अपनी बौहें तानी। क्या यार, क्या नाटक है, पता नहीं कौन से गांव में जाकर पटक देंगे, 2 वीक वो भी। क्या फर्क पड़ता है यार, रे वहां रे, अदिति एकदम संत वाणी में बोली। ओए एनजीओ वाली बाई, तू तो रहने दे, सिया उसे झाड़ते हुए बोली। तुझे पता है लास्ट ईयर ये जहाँ ले गए थे ना, वहां नेटवर्क ही नहीं था, घर वाले कितना परेशान हुए, सिया हाथ दिखाते हुए बोली। तभी तो डॉक्टर आचा ने कहा ना कि इन्फॉर्म योर फैमिली एंड गार्जियंस, अदिति ने उसे समझाया। तो बता देना पहले। हाँ यार बताना पड़ेगा, सिया सर हिलाते हुए बोली। मैं कैसे बताऊंगी उसे, कितना गुस्सा है वो, कहते हुए अदिति उदास हो गई। क्या हुआ, सिया ने पूछा। कुछ नहीं, चल चलते हैं, कहते हुए दोनों निकल गए। थोड़ी देर में दोनों हॉस्टल पहुंचे। उधर आदित्य भी अपने घर वरुण के साथ पहुंच चुका था। वाओ मम्मा, ये घर तो बहुत अच्छा लौट हुआ इस बार, वो नया घर देखते हुए बोला। और देख बाहर गार्डन है, यहाँ ना बहुत सारी सब्जियां लगानी है मुझे, रीना जी बोली। हाँ फिर 1 साल में ट्रांसफर हो जाएगा, वो सब्जियां खा तो पाओगे नहीं, क्यों मेहनत करते हो, आदित्य ने बोला। आदित्य फिजिकली तो घर में मौजूद था, पर मेंटली वो अदिति के साथ था। आज वो यहाँ होती तो उसे घर दिखाता, वो सोच ही रहा था कि उसकी हिचकियां चालू हो गई। अरे क्या हुआ बेटा, रीना जी उसके पास आई। रुक धनु को बोल के ना चीनी मंगवाती हूँ, कहते हुए उन्होंने अपने नौकर को आवाज लगाई। ये वही शाम का टाइम था जब वो रोज अदिति से बात करता था, और प्यार में अंधा मनुष्य ये भूल जाता है कि हिचकियां आना सिर्फ एक याद आने की निशानी नहीं है, कई और कारण भी तो हो सकते हैं। रीना जी ने देखा आदि की हिचकियां रुके नहीं रही थी, वो बोली। बेटा गोरखपुर वाली मौसी का नाम ले, वो तुझे याद करती है, कहते हैं जब हिचकियां आए तो उनका नाम लो जो याद कर रहे हैं, वो बंद हो जाती है, और अगर वो बंद हो जाती है तो समझो वही याद कर रहे हैं, और अगर बंद ना हो, आदित्य हिचके लेते हुए बोला, तो किसी और का नाम ले लो और लेते रहो, जहां बंद सुन, जहां बंद हो समझो उसने याद किया, रीना जी मुस्कुरा के बोली। वारे साइंस, आदित्य हंसते हुए बोला, वो तो मुझे बचपन से मिली नहीं है, फिर याद क्यों करती होंगी, देखो बंद नहीं हुई, वो आगे बोला। अच्छा तो सरिता बुआ, इनका नाम ले ले, वैसे है तो चुड़ैल, पर क्या पता तुझे याद ही कर लिया, रीना जी मासूमियत से बोली। मम्मा क्या आप भी, हाँ कहते हुए आदि बाहर निकल गया। अगली रात भी अदिति पर बहुत भारी गुजरी। एक तो उसे आदित्य को ये बताना था कि वो 2 वीक के लिए बाहर जा रही है, और फोन वो कर नहीं सकती थी, कहीं आदि को ये ना लगे कि गले ही पड़ गई। इस बार वो चाहती थी आदि उसे खुद से फोन करे। कैंप पर जाने के पहले सिया और अदिति दोनों अपना सामान पैक कर रही थी। अदिति ने अपने घर माँ को फोन किया और बताया कि वो मेडिकल कैंप के लिए जा रही है, और गांव में नेटवर्क का इश्यू होता है तो शायद अब बात ना कर पाए। दोपहर तक उन्हें कैंप के लिए निकलना था, दोनों रेडी होकर निकल गए। कॉलेज से बस के द्वारा उन्हें कैंप जाना था। अदिति के साथ सिया के अलावा मेघा और क्लास के कुछ लोग और थे, और सीनियर के नाम पे वही विपिन और मनोज जो उस रात उसे उन बच्चों के साथ दिखे थे, और राजीव सर। यार इन सबको देख के मेरा खून उबाले मारने लगता है, न जाने क्यों, एक नंबर के ना चीपड़ है सारे के सारे, अदिति गुस्से में उन्हें देखते हुए बोली। डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, सब बिगड़े हुए, वो आगे बोली। विपिन ने अदिति को गुस्से में मुंह बनाते देख लिया। चुप कर अदिति, कुछ भी नहीं, देख विपिन देख रहा है, अब चल, कहते हुए सिया ने उसे बस में चढ़ने का इशारा किया। अदिति बस में चढ़ी, देखा लास्ट सीट पर मेघा बैठी थी, अकेली सी गुमसुम सी, खिड़की के बाहर लगातार राजीव सर को देख रही थी। चल उसके साइड में बैठते हैं, अदिति ने सिया को इशारा किया। यार इस लेडी देवदास के पास मैनू नहीं बैठना, सिया मुंह बनाते हुए बोली। चुप कर चल, आंखें दिखाते हुए अदिति ने कहा, और जाकर मेघा की साइड वाली सीट पे विंडो सीट पे बैठ गए, और सिया भी उसके साथ बैठ गई। देखते ही देखते बस में सारे स्टूडेंट्स आ गए।
उनके साथ उनके प्रोफेसर डॉक्टर आशा और डॉक्टर पुष्कर भी थे। बस धीमे धीमे लातूर की तरफ बढ़ रही थी। सिया अपना म्यूजिक चालू कर चुकी थी। अदिति ने भी अपना फोन लिया, हेडफोन लगाए और गाने शुरू किए। शाम का समय हो चला था, बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। ठंडी हवा, ये गाने और आदि की यादें। अदिति ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाल उड़ उड़ कर उसे तंग कर रहे थे। वो उन्हें ठीक करती फिर आंखें बंद कर लेती। शाम को बस एक स्टॉप पर रुकी। डॉक्टर आशा ने कहा, कुछ स्नैक वगैरह ले लेते हैं और सभी अपने लिए पानी की बोतल लेकर आए, आगे थोड़ा लंबा सफर है। सबके साथ अदिति भी उतरी, जाकर ढाबे की चेयर पर बैठ गई। उसने देखा ढाबे की साइड में राजीव सर और मीखा कुछ बात कर रहे थे और मीखा बार बार उससे कुछ मांग रही थी और वो आसपास देख के उसे गुस्से में उंगली दिखाते हुए डांट रहे थे। कुछ तो पंगा है ये राजीव का बच्चा, क्या झूल है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, अदिति बड़बड़ाई। सिया दोनों के लिए कुछ स्नैक्स और पानी की बोतलें लेकर आई और बोली, चल बस में ही चलते हैं। उसने दोबारा पलट कर देखा तो राजीव सर और मेघा दोनों गायब थे। क्या तमाशा है, वो बड़बड़ाई। चल, सिया ने उसे कहा, पता नहीं कहाँ खोई रहती है तू आजकल। हाँ, कहते हुए अदिति और सिया बस की तरफ चले गए। रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास वो लातूर पहुंचे। सब पहुंच के सोने चले गए। कल सुबह से सभी को अपने अपने काम संभालने थे। तीन लोगों को एक रूम में शेयर करना था और उसकी पार्टनर सिया के साथ मेघा भी थी। अगले दिन से कैंप चालू हो गया और अदिति बिजी हो गई अपने शेड्यूल में। इधर आदित्य से रहा नहीं जा रहा था। रह रह कर अदिति की याद आ रही थी। उसके घर की शिफ्टिंग भी चल रही थी और आदित्य अब अपनी माँ पापा के साथ रहने लगा था। अपने रूम में था, फोन हाथों में पकड़े सोच रहा था, फोन करूं या नहीं। नहीं यार, सोचेगी रह नहीं पाया फिर एटीट्यूड दिखाएगी, उसका दिमाग बोला। ऐसी नहीं है यार मेरी सोना, कहा एटीट्यूड है उसमें, उसके दिल ने कहा। जब का कहा है ना मैंने, तभी फोन करता हूँ। आप उसकी नींद उड़ी हुई थी, उसने सोचा थोड़ा पढ़ ही लिया जाए और वो लग गया अपनी स्टडी में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।